हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब बेहतरीन हैं। यस, हम सब बेहतरीन हैं लाइफ में और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ में। अब हमको कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है और यू नो बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में होती हैं। तो अब ये सीएस कोर्स करने का ना बच्चों, एक मैंने रिसर्च किया आज, चूँकि आप सबको पता है आज मैं 2.5 घंटे रन किया है, मैंने 25 किलोमीटर का रनिंग किया है। तो आज मैराथन था पुणे में, एक इवेंट था न्यू विजन मैराथन, तो मैंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, मेडल भी मिला। सो एनीवे, अब ये 2.5 घंटे के रनिंग के दौरान अब यू नो क्या सोचे दिमाग में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छी चीज़ सोचूं। तो इसमें मैंने दो चीज़ें आज बहुत अच्छी सोची हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं रन कर रहा था, मेरा स्पीड काफ़ी अच्छा था, तो मुझे रास्ते में एक दोस्त मिला, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा, यार आप भी रनिंग कर रहे हो? और मैं एक्चुअली यार 3 साल के बाद रन किया, 3 साल के बाद इतना लॉन्ग डिस्टेंस रन किया इवेंट में पार्टिसिपेट करके। शादी के बाद थोड़ा सा कम हो गया था इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, सो अभी सब कुछ सेट है, तो मैंने बोला चलो दौड़ते हैं। सो पहला चीज़, तो जब मैं रन कर रहा था तो मुझे एक बंदा मिला और मैंने उस बंदे से पूछा, उसने मुझे रोका कि यार आप 3 साल मतलब आप बहुत टाइम के बाद दिख रहे हो, आप भी बहुत टाइम के बाद दिख रहे हो। तो उसने मुझे कहा कि यस, मैं तो सिर्फ वैसे ही दौड़ रहा हूँ और मेरा जो टारगेट है वो 2 hours 45 minutes में 21 किलोमीटर है। सो बच्चों, मैंने उसको क्या बोला कि मैंने भी यही बोला यार कि मेरा भी वही टारगेट है और मैं भी सेम चीज़ करने वाला हूँ, मेरा भी 2:30 के आसपास का टारगेट है। आइडियली 2 घंटे 10 मिनट में होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पहले 2 घंटे में भी किया। खैर वो बात की बात है, बट मैं आपको बता दूँ। सो बच्चों, मैंने जब उसको बोला कि यार मैं भी बहुत लेट टाइम के बाद रन कर रहा हूँ और ऐसा वैसा, तो बच्चों आपको पता है मैं क्या कर रहा था और वो क्या कर रहा था? हम दोनों फेल होने की तैयारी कर रहे थे, हम दोनों रीज़न ढूंढ रहे थे कि अगर हम फेल हो गए तो अगर हमारा टाइमिंग अच्छा नहीं निकला, हम मैराथन में उतना अच्छा नहीं कर पाए आगे के, क्योंकि यहाँ के जो मैराथन के जो रिजल्ट्स हैं उससे हम मुंबई मैराथन के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो हम अपने आप को एक एक्सक्यूज़ दे रहे थे, अपने दिमाग में एक एक्सक्यूज़ क्रिएट कर रहे थे कि यू नो अगर नहीं निकल पाया, अगर ये मैराथन हम कंप्लीट नहीं कर पाए टाइम पे, तो हमारे पास एक्सक्यूज़ है कि यार हम 3 साल के बाद रनिंग कर रहे हैं, 3 साल के बाद इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे गलत चीज़ यू नो, तो जो लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के पहले ये बोलते हैं कि यार मेरी पढ़ाई तो ठीक ठाक हुई है और उतना उम्मीद नहीं है, मैंने तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है, मैं तो सिर्फ अटेम्प्ट देने के लिए अटेम्प्ट दे रहा हूँ, बच्चों ये लोग लाइफ में कभी पास नहीं होने वाले, बिकॉज इन्होंने अपने ये तैयारी वही कर रहे हैं ना, क्योंकि इनका माइंडसेट ही वही है कि हम अगर फेल हो गए तो हम तो पहले से ही हमने लोगों को बोल दिया। तो हमेशा याद रखिए, आपको जब भी बोला आपकी पढ़ाई कैसी हुई है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, हो सकता है आपकी पढ़ाई ना भी हो, बट यू हैव टू टेल पीपल, आप जिससे भी मिले आपको यही बोलना है कि मैं इस बार पास होने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पेपर बहुत अच्छे जाने वाले हैं क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की, अपार मेहनत की, नहीं किए तो भी आपको यही बोलना है, क्योंकि जब आप ऐसा बोलेंगे तो आपके माइंड पे प्रेशर आएगा कि यार दुष्यंत अपन ने उनसे प्रॉमिस किया कि अपने को अपने यू नो बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तो अपन को अगर रिजल्ट नहीं अच्छा आया तो हम उनको कैसे मुंह दिखाएंगे। और बड़े बड़े ऑथर्स भी यही बोलते हैं जो बड़ी बड़ी बुक्स लिखते हैं, अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं, कि आप अपने गोल्स को ना पब्लिक कीजिए ताकि आप ना पब्लिक आपको प्रेशर आए एक प्रकार का और आपके एफर्ट बढ़ते हैं। दूसरा एक कंसेप्ट है चेयरिंग बॉडी, चेयरिंग बॉडी इज समथिंग जो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। जैसे नेगेटिव बोलने वाले तो बहुत हैं यार, आप ये बोलो ना कि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, सामने वाले तुरंत बोलेगा मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। बच्चों एक ऐसा दोस्त डिस्कवर कीजिए, एक ऐसा दोस्त डिस्कवर कीजिए, जैसे कि मैं अपने पार्टनर को बोलता हूँ कि सुपान सर इस बार मेरा लेक्चर दुनिया में सबसे बेस्ट होने वाला है, मेरे पार्टनर जो है, और वो मुझे बोलते हैं यस दुष्यंत सर आई ट्रस्ट यू, वो मुझे बोलते हैं कि दुष्यंत सर मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेक्चर एकदम बेस्ट होने वाला है, मैंने बोला यस सर आई ट्रस्ट यू, वो ये नहीं बोलते हाँ बेस्ट हो पाएगा सर आपका ये वो, मैं तो खुद डिमोटिवेट होकर हार जाऊंगा। तो यस हमको एक चेयरिंग बॉडी चाहिए जिससे हम रोज अपना गोल बोलें और वो हमें बोले कि यस यू विल फॉर श्योर, जो हमारे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है और उसको रोज रोज जाके हमें दिन में कम से कम 10 बार नहीं हो तो 1 से 5 बार तो हमें अपना गोल बताना है कि यस आप अपनी मम्मी को बोलिए मम्मा आई एम गोइंग टू क्लियर सीएस, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सीएस क्लियर करके रहूंगा मम्मा आप देखिएगा, मम्मा बोले यस बेटा आई ट्रस्ट यू, व्हेन शी सेज आई ट्रस्ट यू आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। यही आप किसी को बोलिए यार मेरा सीएस नहीं होने वाला, वो बोला है फालतू है होगा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरा भी नहीं होने वाला, कहानी खत्म। दो डिमोटिवेटिंग लोग मिलते हैं और दोनों अपने करियर को फेल कर लेते हैं, उससे अच्छा एक चीयरिंग बॉडी ढूंढिए जिससे आप रोज अपना गोल बोलें और वो रोज आपको पॉजिटिवली बोले यस यू विल, मैं 25 की एज में मेरे पास एक BMW होगी, मर्सिडीज होगी, वो बोलेगा यस BMW के तेरे पास हेलीकॉप्टर होगा। बच्चों बोलने में क्या है, अगर सोचना है तो क्यों ना बड़ा सोचें, मीडियोकर सोच गरीब सोच क्यों रखें अपन अपने दिमाग में, हमको अपना फ्यूचर चेंज करना है, फ्यूचर चेंज करने की शुरुआत यहाँ से होती है। सबसे पहले इनपुट स्ट्रांग करेंगे तो ही आउटपुट स्ट्रांग होगा, यस और नो, और यस आउटपुट जो है बाहर का जो फीचर है, बाहर के जो लोग हैं
उनसे हमें एनर्जी लेके अपने अंदर को स्ट्रांग करना है। और वो कैसे होगा, जब हमारे पास एक चेयरिंग बॉडी होगा। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए। पहला, आपको लोगों को अपने बारे में पॉजिटिव बोलना है, आपको बहुत अच्छे से बोलना है कि मेरा सब कुछ बैच बहुत अच्छे चल रहा है, जिससे हमको क्या है, दिमाग में प्रेशर आए। और दूसरा, हैव अ चेयर बॉडी जिसको आप रोज अपना गोल बोले, वो बोले कि यस मैं आपको ट्रस्ट करता हूँ। सामने वाला अगर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, उसको बोलना कि भाई ये 100 रुपए, ये 500 रुपए, और रोज मुझे ऐसा बोलने का। आपकी मम्मी चेयरिंग बॉडी हो सकती है, आपके पापा हो सकते हैं, पापा नहीं होंगे मुझे थोड़ा सा डाउट है, आपके भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपके ऊपर अपार ट्रस्ट करता है। मेरा भाई मुझे मेरे ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, बहुत ज्यादा। अगर मैं उसको बोलूंगा कि मेरे भाई मुझे प्राइवेट जेट खरीदना है, वो बोलेगा भैया तू खरीद लेगा। तो ये मुझे बहुत ज्यादा एनकरेज करता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। हैव दैट चीयरिंग बॉडी। आपकी सिस्टर है तो सबसे प्यारी बात है, वो तो आपको हमेशा गाइड करेगी। कोई स्पेशल है तो भी चलेगा। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।